तो कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं। और आ चुका हूं मैं 8 क्वेश्चन के ऊपर, 8 आउट ऑफ 10 में मैं आ चुका हूं। और अंतिम प्रहार सीरीज की चल रही है ह्यूमन वैल्यू प्रोफेशनल इथिक्स। जस्ट रिमाइंडर कि 10 क्वेश्चन पे स्ट्रिक्ट ना हो जाए, डिटेल वीडियो भी देखें। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड तो इस यही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए, सर ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपने पढ़ाया फिर भी समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से हो सका तो जल्द से जल्द आपके लिए कल ही फिर से इसके लिए वीडियो ले आऊंगा। आप मुझे बस बता दीजिए सर ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आया, यदि आपको डिटेल वीडियो में समझ में नहीं आया। पूरी कोशिश रहेगी मेरा आपसे क्वालिटी कंटेंट देने का और आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये है ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर एंड होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। ये देखो इसके अंदर तीनों भी क्वेश्चन अलग अलग भी बनते हैं और कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर बहुत अच्छा मिल जाता है तो वो तीनों एक साथ दे देता है। वो क्या कहता है ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन बताओ, तो ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन या वो एजुकेशन सिस्टम जो क्या हो सेल्फ हो। सेल्फ का मतलब स्वप्रेरित, यानी कि खुद ही हमारी इच्छा हो कि हम रेड सिग्नल पे रुक जाएं, कोई पुलिस का चालान ना हो, कोई वहां पे रेड सिग्नल ना हो, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको पता हो, सबको शामिल हो। और ये कह सकते हैं कि इसके अंदर किसी का एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो, हम खुद ही सारे अपने जितने भी नैतिक दायित्व होते हैं, नागरिकों के नैतिक दायित्व होते हैं, वो फुलफिल करें, दैट इज द ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया ना। स्वप्रेरित होना यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड होना हमको कॉन्स्टिट्यूशन पालन करने के लिए, ये ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर का मतलब कि सबका विकास हो, हम सबका रेस्पेक्ट करें, हम सब पे ट्रस्ट करें, हम सबसे लव करें, हम सबसे अफेक्शन रखें, यानी कि चारों के चारों जितने भी ऑर्डर है, देखो 4 ऑर्डर का जो क्वेश्चन है वो बार बार अलग अलग बार से पूछा जाता है, यानी प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर, इन चारों के जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं कि चारों एक दूसरे के ऊपर साथ में विकास हो, चारों फले फूले, एनिमल भी बढ़े, ह्यूमन भी बढ़े, उनकी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, ह्यूमन का भी डेवलपमेंट हो, नदियों की भी सफाई हो, उनको भी पॉल्यूशन ना हो, दैट इज द यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। और होलिस्टिक टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो लोगों के विकास के लिए हो, मतलब एटम बम ना बनाएं, इसके लिए हम कौन सी बनाएं, कोई वैक्सीन बनाएं, कुछ दवाइयों की खोज करें, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज करें जिससे इंसान की लाइफ बढ़ सके, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ सके, उसमें डिजीज कम हो, ह्यूमन की जो कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प बम बनाने में या न्यूक्लियर वेपन बनाने में ना हो, बल्कि वेल्थ क्रिएशन में हो, बल्कि डेवलपमेंट में हो, लाइटिंग सिस्टम में हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देता हूं कि एक न्यूक्लियर बम, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरे एक स्टेट को एनर्जी देने के लिए काफी होता है, और वहीं एक न्यूक्लियर अगर बम गिर जाए तो पूरा एक स्टेट तबाह हो जाता है। तो हमारी टेक्नोलॉजी कैसी होलिस्टिक हो, बात समझ में आ गई। ये तीनों चीजें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल वीडियो इसका बना हुआ है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा, जल्दी दूसरे 2 क्वेश्चन भी और लेकर आ रहा हूं, और बने रहिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू हो, फील फ्री टू कमेंट, आई एम रेडी टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू।